नमस्कार, आरजी स्पून ऑफ स्पाइसेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर पाक। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। गाजर पाक बनाने के लिए हम 2 किलो गाजर को किस लेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई इलायची ड्राई फ्रूट सजाने के लिए, 1 कप घी, 1 कप दूध, 250 ग्राम मावा। गैस का फ्लेम ऑन करके हम एक कुकर में 1 कप दूध को डाल देंगे। दूध उबलने पर हम इसमें गाजर डाल देंगे। कुकर में हम 1 सीटी लगाएंगे ताकि गाजर पाक झटपट बन जावे। कुकर को हम ढक्कन लगाकर तेज आंच पर 1 सीटी आने तक रखेंगे। प्रेशर कुकर को हमने खोल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, 1 सीटी में ये गाजर कुछ आधी सी पक गई है। अब हम इसे निकाल कर कढ़ाई में पकाएंगे। गाजर को हमने कुकर से निकाल कर कढ़ाई में 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखा है। 10 मिनट बाद हमें इसे फिर से चेक करेंगे। फिलहाल हम इसे ढककर रख देते हैं। 10 मिनट बाद गाजर पाक में हम 2 बड़े चम्मच चीनी के डाल देंगे। फ्रेंड्स, चीनी अपने अनुसार डालिएगा क्योंकि गाजर वैसे ही मीठी होती है। चीनी ने पानी छोड़ दिया है, इसे तब तक पकाना है जब तक ये पानी सूख न जावे। गाजर का पानी सूख गया है, हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। घी को मिलाकर कद्दूकस किया हुआ है मावे को इसमें डाल देंगे। इसे तब तक पकाएंगे जब तक बचा हुआ पानी रिड्यूस ना हो जाए। इसमें पिसी हुई इलायची डाल देंगे। गाजर का पानी जब तक सूखता है, हम इस पे एक थाली पर घी को ग्रीस कर लेंगे। थाली के चारों ओर घी को फैला लिया है ताकि गाजर के पीसेस आराम से निकल सके। हमारा गाजर पाक बनकर तैयार है। इसने कढ़ाई से घी को छोड़ दिया है। अब इसे हम थाली में चारों तरफ फैला लेंगे। चारों तरफ से हमने इसे क्लीन कर लिया है। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए बादाम और काजू को सभी तरफ डाल देंगे। हम इसे 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 3 घंटे बाद हमारा गाजर पाक बनकर तैयार है। इसे हम 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।